सभी लोगों का स्वागत है एजे आईएएस एकेडमी इंदौर में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीरीज है ना, मतलब नंबर सिस्टम से रिलेटेड बात हमारी चलेगी। आज हमारी जो बात चलेगी वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड चलेगी। मतलब यहाँ पर हमको अरिथमेटिक की बात करना है। अरिथमेटिक मतलब बचपन में जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 है ना, काउंटिंग टेबल्स, इनसे रिलेटेड बातें आज हम करेंगे और यही सारी चीज़ें हमारी आज चलेगी है ना। तो हम आज इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक का नाम सीरीज बोल लीजिए आप, नंबर सिस्टम बोल लीजिए, है कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं, नंबर सिस्टम, ये हमारा नंबर सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम बोल लें अगर हम इसको, या फिर हम क्या बोल लें इसको, सीरीज बोल लें। तो सीरीज भी है हमारा और नंबर सिस्टम भी है, ये दोनों चीज़ें भैया ये हमारे टॉपिक का नाम। और बेसिक चीज़ें जो टूल्स बोल सकते हैं हम, ऑपरेशंस बोल सकते हैं, जो अरिथमेटिक के ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे को पता ही होंगे अरिथमेटिक के ऑपरेशन। जैसे फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये जो होते हैं ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस होते हैं बेटा, है ना। इन ऑपरेशंस के बारे में हम पहले बात करेंगे, कुछ वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स सीखेंगे, है ना। सीरीज मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक कोई चीज़ चल रही हो, ऑर्डर से चल रही हो, है ना। सीरीज मतलब ये होता है, सीरीज बोल रहे हैं, प्रोग्रेशन बोल रहे हैं, है ना, ये सब एक ही बात है। हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं, सीरीज को श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब एक ही चीज़ है, ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कि अगर अपन इनका कोई डिफरेंस देखने जाएं कि इन बातों में कोई डिफरेंस है, तो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सीरीज या प्रोग्रेशन बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे आज वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सीरीज एंड नंबर सिस्टम। रीजनिंग का टॉपिक है भैया आज हमारा, और रीजनिंग के टॉपिक का नाम क्या है हमारे, सीरीज या नंबर सिस्टम। सीरीज बोल लें या नंबर सिस्टम बोल लें आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक है ये। तो हमने बचपन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, हमने काउंटिंग पढ़ी थी, काउंटिंग मतलब गिनती 1 2 3 4। फिर हमने क्या पढ़ी थी, टेबल्स पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, टेबल्स, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, मतलब पहाड़े, है ना, ये चीज़ें पढ़ी थी। तो सीरीज क्या चीज़ है, सीरीज मतलब एक के बाद एक कोई चीज़ ऑर्डर में आना, है ना, क्रम से आने वाली चीज़ें, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो हिंदी में इसी वर्ड को क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसी शब्द को, अनुक्रम बोल लो या श्रेणी बोल लो, अनुक्रम बोल लो या श्रेणी बोल लो। ये सीरीज को जो है वो जनरली श्रेणी बोला जाता है, ठीक है, ये श्रेणी, और ये जो है वो हमारा अनुक्रम है, ऐसा है ना, मतलब प्रोग्रेशन, सॉरी ये नंबर सिस्टम नहीं, श्रेणी या अनुक्रम, कोई सा भी एक वर्ड यूज कर लो, श्रेणी यूज कर लो या अनुक्रम यूज कर लो, बट अच्छा यही है कि हम सीरीज यूज करें, सीरीज बोल लें, प्रोग्रेशन बोल लें, है ना, प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, प्रोग्रेशन ये वाला वर्ड भी यूज होता है जनरली, प्रोग्रेशन वर्ड भी यूज होता है इसमें, ठीक है। तो हमारा सीरीज, प्रोग्रेशन, अनुक्रम, ये सब एक ही चीज़ है, और ये किससे रिलेटेड है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम बात करें, अगर हम शुरू करें अगर, तो हमारी सीरीज चलेगी, क्या चलेगी, सीरीज। कौन कौन सी सीरीज होती है, तो जनरल सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ पहले मैं। तो जनरल सीरीज कैसी होती है, पहले उनके नाम के बारे में बात करते हैं। पहली सीरीज होती है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कौन सी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं इन शॉर्ट एपी, ठीक है। हिंदी में जब इसको बोलने जाते हैं तो इसका नाम होता है समांतर श्रेणी। देखिए ये जो आ रहा है, ये जो सीरीज आ रही है, ये एक्चुअल में एडवांस मैथ्स की आ रही है, ये जो सीरीज आ रही है वो किसकी आ रही है, एडवांस मैथ्स की, लेकिन ये रीजनिंग से कनेक्ट करेगी, क्यों, क्योंकि हम सीरीज पढ़ रहे हैं। तो वो सीरीज किसी भी टाइप की हो सकती है, देखो सिलेबस नहीं होता है कोई भी चीज़ का, ठीक है। जब हम ISPSC और UPSC इनकी तैयारी जब करते हैं ऐसी चीज़ों में, तो इसमें सिलेबस नहीं होता है, ये समुद्र होता है, ये नदी तालाब नहीं है कि हमने कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो हमारा काम चल जाएगा, ये समुद्र जैसा है, मतलब हमें सब पता होना चाहिए। सवाल कहीं से भी बने तो हमें तो क्रैक करके आना है ना, ठीक है, तो इसलिए हमें सब पढ़ना पड़ेगा। तो पहला हमारा जो रहेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी जो रहेगी वो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगी, दूसरी जो रहेगी वो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगी भैया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट GP, और हिंदी में बोलने जाए तो गुणोत्तर श्रेणी, ये हो गई भैया हमारी। तीसरी सीरीज के बारे में बोलने जाएँ, मोस्ट कॉमनली आने वाले कुछ टाइम बाद की जो जनरेशन्स होगी,
है ना, मतलब ये रिसेंटली मैं बोलूँगा आपको पिछले 2 साल से, लास्ट 2 ईयर से ही ले लें, अब जो जनरेशन आएगी उसको ये प्रोग्रेशन पता ही नहीं होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये पता ही नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं पता होगी? क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में से हटा दी गई है ये सिलेबस, इन द सेंस जो लोकल जो क्लासेस हमारी होती है, सब्जेक्टिव क्लासेस जो होती है, उनमें से इस सिलेबस को हटा ही दिया गया है। पर मैंने तो क्या बोला, आई एस पी एस सी या यू पी एस सी एम पी पी एस सी की जब हम एग्ज़ाम करते हैं तो वहाँ सिलेबस नहीं होता है, टॉपिक होता है। अब उससे रिलेटेड जितना भी है उसके आसपास का, वो पूरा आना चाहिए हमें, वो तो कुछ भी पूछेगा। तो अब वो तो इसको पूछ सकता है ना, क्योंकि ये है तो सही, ऐसा तो नहीं इसकी वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस नहीं है इस चीज़ की। अगर इस चीज़ की एग्जिस्टेंस है, ये है, बनती है, ये चीज़ है, कोई चीज़ पढ़ने की जैसी चीज़ है, तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा, तो फिर हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ आप वो छोटी क्लास वाला सिस्टम नहीं रख सकते हैं कि नहीं मैंने तो एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट या एक प्रिस्क्राइब सिलेबस पढ़ लिया है ना, और एक बाउंडेड सिलेबस पढ़ लिया मैंने, कि भैया 10 चैप्टर थे, मैंने उसमें से 50 IMP क्वेश्चन निकाल लिए, याद कर लिए और मैं पास हो गया। ये कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन का मतलब जो सबसे ज़्यादा तेज दौड़ कर आगे पहुँचेगा वो जीतेगा, तो मतलब पावर की लड़ाई है, जो सबसे ज़्यादा पावर से दौड़ेगा वही जीतेगा ना। तो भैया सीटें, जितनी सीटें उतनी सीटों के लिए कई गुना ज़्यादा लोग दौड़ रहे हैं, तो जो पहुँचेंगे उतने ही लोगों को सीट मिलेगी ना, सबको थोड़ी ना सीट मिलेगी, आ रही है बात समझ में? इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमारे को पूरे सिलेबस पढ़ना और पूरे सिलेबस पर अपनी कमांड बनाना है, और बहुत अच्छे से बनाना है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है उसका नाम क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हम हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई, हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गई। अगली प्रोग्रेशन अगर हम लेने जाएं तो वो होती है हमारी स्पेशल सीरीज। क्या होती है? स्पेशल सीरीज, विशेष श्रेणियां, हिंदी में बोलते हैं इसे विशेष श्रेणियां, श्रेणी इन शॉर्ट होती है SPS, स्पेशल सीरीज इन शॉर्ट SPS, स्पेशल सीरीज। फिर आती है हमारी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, मतलब क्या हुआ, समांतर श्रेणी भी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों को मिक्स करके जब सवाल आ जाए, एक तो इंडिविजुअल सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल हो, सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल हो, सिर्फ हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सवाल हो, या फिर क्या हो, ये मिक्स हो जाए, या ये मिक्स हो जाए, अरे मिक्स सवाल भी आएंगे ना। तो ऐसे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, इन शॉर्ट इसे बोलते हैं AGP, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये नॉर्मल सीरीज की बात हुई, फिर मिसलेनियस सीरीज आएगी जो कि एक्चुअल में रीजनिंग को कनेक्ट करती है। ठीक है, रीजनिंग को कौन सी कनेक्ट करती है? रीजनिंग वाली। रीजनिंग वाली कैसी? कि भैया हमें पता ही ना चले उस सीरीज के बारे में कि वो AP है कि GP है कि HP है कि SPS है कि वो AGP है, ये हमें पता ही ना चले, और फिर हमें उसमें से कुछ लिंक ढूंढना पड़े। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ, तो पहले इनकी पहचान के बारे में बात करेंगे, ताकि हम जब वो सवाल लगाने जाएं तो हमें इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम सबसे पहले उस सीरीज जब सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से देख लेंगे, अगर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई से भी टाइप कैसे पहचानेंगे बताऊंगा मैं, आप थोड़ा धैर्य से आराम से बैठे, सिर्फ आप नाम सुने। अभी फिल्मों में जैसे फिल्म देखते ना, तो पहले क्या चलते हैं, इंट्रोडक्शन नाम चलता होता है, रणबीर कपूर ये वो, तो ऐसा अभी अपने नाम दिए हैं, अभी आराम रिलैक्स, बहुत देर तक बैठ रहे हैं अपने, बहुत लंबा सुनना है अपने को, है ना। तो अभी सिर्फ अपने नाम, फिर अपन इनकी पहचान भी करेंगे, कौन कैसे पहचाना जाता है, कौन क्या है, ये है मैथ्स है, हवा है ना, मैथ्स है, हवा है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, और मैं तो बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। 1, 2, 3 आते हैं, 2 का टेबल 3 का टेबल आता है, बस ये आ जाएगा, ये नहीं आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और डेफिनेटली ये तो आता ही है ना, बस हम उन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे आज, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे हम, और इजीली आप सवाल बनाएंगे, मेरी गारंटी है ना। हम जाएंगे ट्रिक्स पर, काहे पे जाएंगे, ट्रिक पर, वो हम जो करते ना कि 10th 12th की क्लासेस में पढ़ते थे, वो पूरा सवाल सॉल्व करते थे फिर आंसर निकल कर आता था, यहाँ वो नहीं करना है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है,
हमें सॉल्व करना है तो हमें तो क्वेश्चन देख के आंसर समझ में आ जाना चाहिए। वो काय पे कैसे समझ में आएगा? ट्रिक्स के जरिए समझ में आएगा। वो कैसे समझ में आएगा? ट्रिक्स के जरिए, कोई ट्रिक हो कि हमारे को पता चल जाए, ठीक है, तब हम सारी चीज़ें करेंगे। चलिए, तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, स्पेशल सीरीज और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो हमने कोई सवाल आया तो इनमें से कोई एक टेस्ट लगा के देख लेंगे, इनमें से कोई तो नहीं है, अगर इनमें से कोई हुई तो इनकी मेथड लगा देंगे या इनकी ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं हुई, और जनरली होता है ऐसा ही है, क्या होता है कि वो मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन ही रीजनिंग में बनता है, तो फिर वहाँ क्या लगता है, वहाँ हमारे अर्थमेटिक जिसे अपन बोलते हैं, तो हमारे अर्थमेटिक का अंक गणित, जिसे हिंदी में अंक गणित बोलते हैं, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ये वाले चार ऑपरेशन होते हैं जिन्हें हम टूल्स बोल सकते हैं, मैथ्स के टूल्स। ये हमारे मैथ्स के क्या हैं? टूल्स हैं। टूल्स मतलब समझते हैं, जैसे कहीं पाना, कहीं नट कसना हो तो हम क्या लाते हैं? पाना ला के उसको कसते हैं ना, या स्क्रू ड्राइवर ला के उसको कसते हैं, तो वो टूल होता है ना किसी काम को करने का। तो किसी काम को करने के ये टूल्स हैं हमारे, मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन से मैथमेटिक्स के, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये आते हैं कि ये भी सिखाऊं? ये तो बहुत अच्छे से आते हैं, सभी को आते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो कोई भी कर लेता है ना। बस इसी से रिलेटेड सारी बातें हमें करना है। खुशी की बात ये है कि हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, अंक गणित पढ़ रहे हैं, मतलब इंडिया का मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम कोई एडवांस मैथ्स है ना या मॉडर्न मैथ्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम कोई एक्स वाई जेड ए बी सी इनके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, हमारा इससे रिलेटेड बात होगी। तो इसके कुछ जादू अपन देखते हैं पहले थोड़े से, क्योंकि हमारे को क्या है कि वैदिक हमको अच्छा इंटू भी अच्छा वाला इंटू आना चाहिए। अब अच्छा वाला इंटू किसे कहते हैं? मैंने बोला 5 × 5 = 25, वही मैंने बोला 35 × 35, अब प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 5 × 5 तो हो गया, बोले हाँ यार 5 × 5 तो क्या 25, लेकिन जहां मैंने बोला कि 35 × 35 तो फिर प्रॉब्लम आने लगी, है ना। अब वो इंटू कैसे करेंगे? तो यहां थोड़ा सा मैं क्या बता रहा हूं, वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं मैं? यहां कोई भी चीज फालतू नहीं बता रहा हूं, आप ध्यान से और अच्छे से सुने और सुनने के बाद उसे सीखने की कोशिश करें। सीखना मतलब मैथ्स में प्रैक्टिस, ठीक है। तो अपन आराम से, क्योंकि हमारे को ये सारी ट्रिक्स बनाना सीखना है। जब हम ट्रिक्स बनाना सीखेंगे तो हमें फिर उनसे रिलेटेड जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो सब हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, बहुत इजी सी बात है कि आपको 5 का स्क्वायर पता है। क्या होता है 5 का स्क्वायर भैया? 25 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, पता है। अब यहीं मैं बोलूँ आपको, स्क्वायर का मतलब समझते हो आप? 5 × 5 है ना, यही होता है स्क्वायर का मतलब, दो बार इंटू में होना। और अगर क्यूब कर देता तो 3 बार होना। तो हमें स्क्वायर और क्यूब भी पता होना चाहिए, 4 पावर भी पता होना चाहिए, 5 पावर पे भी पता होना चाहिए। तो इस सीरीज का मतलब क्या है? जहाँ नंबरों का गेम, मतलब हम तो नंबर सिस्टम ही गेम ही खेलने जा रहे हैं, है ना। हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? वी आर प्लेइंग विद द नंबर्स। अब हम नंबरों के साथ खेलने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम नंबरों के साथ क्या करने जा रहे हैं? खेलने जा रहे हैं। आ रही है बात समझ? तो नंबरों के साथ हम कैसे खेलेंगे? अब ये 15 का स्क्वायर है, तो कॉमन सेंस की बात है, हर व्यक्ति बोलेगा 15 × itself। अरे 15 × itself मतलब वो खुद का खुद से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये तो हमें बचपन में हमने पढ़ा था, 225 होता है बेसिकली, ये तो बहुत अच्छे से पता है। 25 का पता है 625 होता है। पर अब जादू देखो आप, मैं जादू सिखा रहा हूँ। 5 का स्क्वायर हमें पता था, क्या था? 25। लिख दिया भैया मैंने 25। आपको काउंटिंग भी पता है, गिनती पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आती ना काउंटिंग, ठीक है। आप मुझे बताओ 1 के आगे यहाँ क्या आया है? काउंटिंग में 2 आया है। मेरे को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। 1 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है? ये आ गया भैया 225। अब बोले सर इसको मैं अगर 25 × 25 मतलब 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या? 25। लेकिन काउंटिंग में 2 के आगे क्या आता है बेटा? 3। मेरे को तो उसके आगे का नंबर लेना है ना, 2 के आगे का। और इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई। इन दोनों का क्या करना है मेरे को? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा ये देखो, क्लियर हुई बात, है ना। तो अब आप मेरे को बोलो कि अगर 35 का बनाना हो तो चलिए बनाइए, 35 का, 45 का, है ना, 55 का बनाओ। मतलब ये ट्रिक किसके लिए लगी? क्या पहचाना आपने? जिनके लास्ट में 5 हो, जिनके नंबरों के लास्ट में 5 हो, उनके लिए हमने ये सीखा है। जिनके नंबरों के लास्ट में 5 हो, उन नंबरों के स्क्वायर करने को सीखा हमने यहाँ पर। वेरी गुड, ये 5 का स्क्वायर 25, और 3 के आगे एक नंबर आएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा
ये देखिए 1225, ये देखिए, ठीक, कितना आ गया 20। मैं किसी भी नंबर का निकाल सकता हूँ इस तरीके से। ये बहुत शानदार ट्रिक बताई है मैंने आपको, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने क्या करना बताया, स्क्वायर करना बताया। बोले सर ठीक है, जिसके नंबर के लास्ट में 5 है वहाँ आपने हमको बता दिया, अब हम किसी के 95 का भी निकाल सकते हैं। 95 का क्या ओवरऑल ही निकलेगा, 95 मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 9 के आगे क्या जाएगा 10, 10 इंटू 9 मतलब 90, 25 आंसर हो गया। अरे हम ऐसे ही इनके बगैर, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं इसकी, हुआ ऐसे ही। अगर हम 65 की बात करने जाए तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 के आगे 7, 6 7 42, 42 25 आंसर हो गया, खत्म हो गया। अब अभी यही इनटू किसी को करने के लिए बोलो तो वो पेन कॉपी लेके बैठ के करेगा। अब हमारे वो बगैर पेन कॉपी के हो रहा है ना, तो यही मैजिक है, और वही मैजिक हमें अब इन प्रोग्रेशंस पे लगाना है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि मैं इसके साथ वैदिक मैथ्स को भी लेके चलूंगा और मैं उनकी ट्रिक्स भी बताऊंगा, है ना। पर फिलहाल हमारा जो टॉपिक वो सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा भैया हमारा, पहला टॉपिक क्या स्टार्ट होगा हमारा, अरिथमेटिक। तो डाल लीजिए हेडिंग, कॉपी पेन लेके बैठा करें सब लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट एपी, हिंदी में समांतर श्रेणी, हिंदी में समांतर श्रेणी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैसे पहचानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रेशन अगर एक साथ है तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सी सीरीज कौन सी है, है ना। तो इसको पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, देखो आप जो आपकी काउंटिंग है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये जो काउंटिंग वाली जो सीरीज है ना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं, बोल तो सकते हैं लेकिन क्यों बोल सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिलेगा उसका जवाब। शांति के साथ पहले ही वाला आइटम नंबर सुने, 2 4 6 8 10 12, हाँ बोले सर ठीक है, ये भी एक, बोले तो 2 का टेबल है, मतलब बिल्कुल। फिर मैंने बोला 3 9 15 21 27, तो 3 3 9, 3 5 15, फिर 3 7, तो ये तो अलग अलग तरीके से जा रहा है, हो रहा है ना। तो भैया ये इसमें आपने क्या खास बात देखी, यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का। आप कहीं पर भी देख लो, ये डेड डेश का मतलब है एंड सो ऑन, मतलब ये प्रोग्रेस प्रोग्रेशन चल रही है, बढ़ रही है, कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, हमें नहीं पता है कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट अनंत पता ही नहीं है, ठीक है चल रही है। लेकिन मैं कहीं पर भी, बीच में कहीं पर भी जाकर अगर इस सीरीज के दो टर्म के बीच का डिफरेंस, इन्हें टर्म्स बोलते हैं, पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब इसको मैं T1 T2 T3 T4 T5 ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, टर्म नंबर, ठीक है टर्म नंबर मतलब इन शॉर्ट TN, टर्म टर्म नंबर मतलब कौन से नंबर पर आ रहा है, वो जो वैल्यू है वो वैल्यू किस नंबर पर आ रही है। जैसे मैंने बोला कि सपोज 4, तो 4 कौन से नंबर पर आ रहा है, तो मेरा T4 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला 15 कौन से नंबर पर आ रहा है, तो T3 नंबर पर, 1 2 3, तो T3 नंबर पर आ रहा है मेरा 15, ऐसा बोलने का मतलब है। ठीक है, चलिए यहां पर, यहां सब जगह 1 1 का डिफरेंस था, ठीक, यहां 2 2 का डिफरेंस है, अरे यहां पर कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है, और यहां 6, यहां 6, यहां 6, यहां। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि डिफरेंस जो है वो एक जैसा होना चाहिए, ऐसी सीरीज जिसमें दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे ये दो टर्म का बीच का डिफरेंस जो आ रहा है ना 6, वही दो टर्म के बीच का डिफरेंस यहां पर भी होना चाहिए, यहां भी 6 ही है और यहां पर भी 6 ही है। अगर आप इन दोनों के बीच देखो तो 2 है, और इन दोनों के बीच भी देखोगे तो 2 है, मतलब ऐसी सीरीज जिसमें कहीं से भी मैं दो टर्म उठा लूं तो उनके बीच का डिफरेंस क्या चलता रहे, एक जैसा चलता रहे, मतलब वो चीज क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, वो डिफरेंस क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, मतलब सब जगह कॉमन, मतलब क्या होता है, हाँ है ना, वो सभी जगह अवेलेबल हो। ठीक है, तो कॉमन, तो इस फिल्म का हीरो जो है वो अपना जो है उसका नाम अपन रख देते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या नाम रख देते हैं इसका, कॉमन डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सार्वांतर, जो सभी जगह व्याप्त हो, सभी जगह मिलता हो, ऐसा अंतर जो सब जगह एक जैसा हो, तो हिंदी में उसे बोल दिया सार्वांतर।
और डिफरेंस जो सब जगह एक जैसा हो, मतलब वो कॉमन हो, इंग्लिश में बोल दिया उसे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने की अगर बात करें तो डी से रिप्रेजेंट करेंगे, काय से रिप्रेजेंट करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक एक सीरीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिसलेनियस पे जाएंगे जो कि एक्चुअल में रीजनिंग को टच करेगा, ठीक है। तो जब मैं आपको शीट दूंगा सवालों की, तो उसमें फिर सीरीज मिसलेनियस होगी। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कन्फर्मेशन टेस्ट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले कन्फर्मेशन टेस्ट लगाना पड़ेगा। कन्फर्मेशन टेस्ट मतलब क्या होगा कि जो सवाल मेरा है, जो सीरीज मेरे पास अवेलेबल है, वो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अगर ये है तो इससे सॉल्व करूंगा, और अगर ये है तो इसकी मेथड से सॉल्व करूंगा, मतलब इसकी ट्रिक लगाऊंगा, और अगर ये है तो फिर इसकी ट्रिक लगाऊंगा, और अगर मिसलेनियस है जहां कुछ पता नहीं चल रहा है तो फिर उनको सॉल्व करने की मेथड्स अलग होगी। वहां पर कम से कम मान के चलेगा 12 से 15 तरीके ऐसे होंगे जो हम चेक करेंगे लगा लगा के, है ना। हम क्या करेंगे, वो 12-15 तरीके लगा के चेक करेंगे, है ना। चलिए, तो इसमें सब जगह एक जैसा डिफरेंस चल रहा था, उस डिफरेंस को मैंने कॉमन डिफरेंस बोला, और काय से रिप्रेजेंट करवाया उसको, डी से। तो जैसे मैं डी बोलूंगा आप समझ जाओगे कौन सी सीरीज की बात कर रहा हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डी बोला। डी बोला मतलब कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय द डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को अपन काय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब सारी सीरीज में ये बातें, कुछ बातें कॉमन चलेगी, ये बदलता जाएगा, इस सीरीज के लिए ये आ जाएगा, इस सीरीज में कुछ और बात होगी पहचानने के लिए, इस सीरीज में पहचानने के लिए कोई और बात होगी, इस सीरीज में पहचानने के लिए कोई और बात होगी, और इस सीरीज में भी पहचानने के लिए कोई और बात होगी, और हर सीरीज की पहचान हमें पता लगाना है। तो फिलहाल मैंने किसकी पहचान बताई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, एपी की पहचान बताई, और एपी की पहचान क्या बताई, डिफरेंस का कॉमन होना, डिफरेंस का कॉमन होना। तो एपी की पहचान क्या हुई भैया, डिफरेंस का कॉमन होना, डिफरेंस का कॉमन होना, ये एपी की पहचान है, ठीक। चलिए, अब मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करूं, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा भैया, जीपी, इसमें क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, देखिएगा फिर से, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, हो रहा है, लग रहा होगा किसी एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीप्लाई से आगे बढ़ रही है बात। अब वो नंबर पता लगाना मेरे को, वो नंबर कुछ नहीं करना है यार, देखो ये सारे ऑपरेशन एक दूसरे से कनेक्ट है। कोई मेरे से बोलता ना माइनस करो, मैं माइनस करता ही नहीं, मैं तो प्लस करता हूँ हमेशा। कोई मेरे से बोलता ना डिवाइड करो, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कोई मल्टीप्लाई बोलता मैं डिवाइड कर लेता हूँ। मैं तो चार ऑपरेशन में से दो ऑपरेशन पे अपनी कमांड बना रखी है, ठीक है। आप हमेशा देखो यार, मैं सीधी सी बात बताऊँ कि 78 में से 56 माइनस करो, ये बोला मेरे को माइनस नहीं आता, मेरे को प्लस आता है, मैंने कुछ नहीं करा। 56 से 78 कितनी दूर है, ये तो पता लगा सकता हूँ ना मैं। क्या करूँ, 56 में 4 प्लस करूँगा, प्लस कर रहा हूँ, देखो मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, ये 60 बन जाएगा। 60 बनने के बाद ये 78 जाने के लिए कितना दूर है, 18, और 4 ये 22 आएगा यार, क्या जरूरत माइनस करने की। अरे मैं प्लस करके ही पता लगा सकता हूँ ना, मैंने प्लस करके 78 में 56 माइनस करना था, मैं माइनस करके तो ऐसे भी माइनस कर सकता हूँ, और इसके आगे ये कितनी दूर है तो प्लस करके पता लगेगा कितनी दूर है 78 से। तो ये भी तो एक तरीका है ना आपको भैया। देखो एक्चुअल में क्या है कि जब कंपटीशन की तैयारी होती है ना, तो वहाँ ब्रेन यूज होता है, ब्रेन ब्रेन। और ब्रेन कैसे तैयार होता है, टकरा टकरा के अलग अलग टाइप के लोगों से, अलग अलग लोगों के दिमाग से। मैंने आपको ये बात अभी तक कैसे लोग कैसा करते हैं, वो 78 फिर नीचे 56 लिख के 8 में से 6 माइनस करके, 7 में से 5 माइनस करके। लेकिन कैलकुलेटर क्या दिमाग लगाता है, कैलकुलेटर माइनस थोड़ी ना करता है, कैलकुलेटर प्लस ही करता है। वो 56 से 78 कितनी दूर है वो ये बताता है आपको। ये भी तो मतलब हुआ ना, 78 माइनस 56 का मतलब 78 और 56 के बीच का डिफरेंस। तो ये बात का मतलब ऐसे भी तो हुआ ना कि 56 से 78 कितनी दूर हुआ, तो प्लस करके भी तो पता लगा सकता हूँ ना मैं। तो भैया जरूरी नहीं है कि मेरे को माइनस नहीं आता, प्लस प्लस है तो माइनस से काम हो जाएगा, माइनस का काम प्लस से हो जाएगा, इंटू का काम डिवाइड से हो जाएगा, डिवाइड का काम इंटू से हो जाएगा। ये चारों ऑपरेशन एक दूसरे से लिंक करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं भैया। ये प्लस माइनस को, माइनस प्लस को, डिवाइड इंटू डिवाइड को, डिवाइड इंटू को, कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे को लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि मैंने बोला आपसे कि पता लगाओ कौन से नंबर के इंटू से ये बात आगे बढ़ी,
अब आप सोच रहे हो बीच में सर पता नहीं कहाँ चलेगा और क्या बताने लग गया, कहीं नहीं गया, यहीं से रिलेटेड बात कर रहा था। मेरे कहने का मतलब ये था, मैंने आपसे बोला पता लगाओ कि कौन से नंबर के इंटू से आगे बात बढ़ रही। आप इंटू करो ही मत, मैं बोल रहा हूँ वो सुनो ही मत, आप अपना दिमाग लगाओ। अरे बोले यार डिवाइड करके भी तो पता लगा सकता हूँ। अरे डिवाइड करने का मतलब भी तो यही होता है कि मैं किसी नंबर का इंटू ही कर रहा हूँ, और इंटू करने का मतलब भी यही होता है कि वो उसके अंदर कितना पार्ट छुपा हुआ है। अरे डिवाइड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का कितना हिस्सा उसके अंदर छुपा हुआ है, मतलब कितने टाइम्स है वो, कितने गुना है वो, कितने मल्टीपल है। ठीक है, तो 4 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, 2। 8 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 2। चलो यहाँ 128 को 64 से डिवाइड कर दूंगा तो 2। मेरे को नंबर पता चल गया कि किस नंबर के इंटू से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो समझ में आया बात, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, एक नंबर के मल्टीप्लाई से चीज आगे बढ़ेगी, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हुआ, एक नंबर के प्लस से सीरीज आगे बढ़ेगी। यहां प्लस से आगे बढ़ रही थी और जानने के लिए मैं माइनस ही यूज कर रहा था कि ये कौन सी सीरीज है। देखो ना, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस करके तो डिफरेंस एक जैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो सीरीज बढ़ रही थी प्लस करके और मैं पहचान रहा था उसे माइनस करके। ये सीरीज आगे बढ़ रही है मल्टीप्लाई से और मैं पहचान रहा हूं इसको डिवाइड से। एक और लिख के देखता हूं, ठीक है। ये लो, बोले यार आपके मल्टीप्लाई तो एकदम गजब चलते हैं, अब पता लगाओ, लगाओ दिमाग कौन से नंबर के मल्टीप्लाई से ये चीज आगे बढ़ी। ठीक है, सिंपल बोला ना, पता लगाना बड़ा आसान है। 9 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 के मल्टीप्लाई से 81 का 3 में मल्टीप्लाई 243, 243 में 3 का मल्टीप्लाई 729, ये आ रहा है। तो मल्टीप्लाई से ये सीरीज आगे बढ़ रही है, ये सीरीज कहाँ से आगे बढ़ रही है, मल्टीप्लाई से, और मैं पता कैसे लगा रहा हूँ, डिवाइड करके। तो एक सीरीज मिली मेरे को प्लस की, पता लगाने के लिए माइनस करा, एक सीरीज मिली मेरे को इंटू की, पता करने के लिए मैंने डिवाइड यूज करा, दोनों पहचान में आई, समझ में आ गई, याद रह जाएगी। अरे बेसिक चीज ही तो बताई मैंने, प्लस माइनस, यार बचपन में पढ़ते हुए आ रहा है, प्लस की एक सीरीज है पहचानने के लिए माइनस करना है, इंटू की एक सीरीज है पहचानने के लिए डिवाइड करके पता लगाना है। चलिए अब तीसरी सीरीज कौन सी आ गई हमारी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। इसका नाम से पता चल रहा है कि हरात्मक, सुना है कभी ये वर्ड कहीं, सुना है अंश और हर, सुना है ना, अंश मतलब ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला, तो इसका मतलब ये हरात्मक वर्ड चल रहा है, मतलब ये कोई नीचे वाली सीरीज चल रही है, मतलब डेफिनेटली ऊपर कोई नंबर रहता होगा। नाम सारे सारी चीज़ें क्या होती, नाम में छुपी होती पहचान, है ना। जैसे यहाँ समान अंतर, है ना, एक जैसे अंतर वाली सीरीज, यहाँ गुणोत्तर मतलब गुणे से बढ़ने वाली सीरीज, क्लियर हो रहा है। और यहाँ अपन ने बोला हरात्मक, है ना, तो जब समांतर श्रेणी को अपन, जब समांतर श्रेणी को अपन वन के अपॉन में चलाने लगते हैं तो वो हरात्मक श्रेणी हो जाती है। कौन सी श्रेणी को बेटा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये हमारी इन शॉर्ट एचपी। तो जब एपी वन के अपॉन में चलती, तो मेरी एपी क्या थी, 2, 4, 6, 8, 10 थी। अरे ये तो मेरी एपी थी, मैंने इसको वन के अपॉन में चला दिया, काय के, तो ये काय में बदल गई, एचपी में, हरात्मक श्रेणी में बदल गई भैया, ये काय में बदल गई, ये हरात्मक श्रेणी में बदल गई, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बदल गई मेरी ये सीरीज। एपी कन्वर्ट होकर मेरी एचपी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो मतलब क्या करूं मैं, सिर्फ एपी को पढ़ूं, एचपी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या करूं, अरे भैया देखो एपी को सॉल्व करना सीख लूंगा मैं, ये एचपी है, इसको उल्टा करूं इसको तो वो एपी बन जाएगी, एपी सॉल्व कर लूं पर आंसर को वापस उल्टा कर दूं तो एचपी हो गई। तो मतलब एक सीरीज पढ़ूं और एक सीरीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। मतलब मेरे को पता है कि आप आईएएस पीएससी यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं भैया, आप ऐसा बड़ा टारगेट है, सिलेबस बहुत ही बड़ा है, समुद्र है, तो क्या फिर मैं उसको डबल समुद्र कर दूं क्या, कि मैं उसको थोड़ा कंप्रेस करने की कोशिश करूं, छोटा करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, तो प्रॉब्लम बड़ी है तो उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा इजी होना चाहिए। तो मैं आपको
तो मैं आपको इजी तरीके ही बताऊंगा यहाँ पर, है ना। तो अब अपने को समझ में आया कि हाँ यार ये एचपी पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है। हाँ पर सर कुछ कहीं तो ऐसा होता होगा ना, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा, तो हमें क्या पढ़ना है जहाँ उनका डिफरेंस हो। तो आप एक मेरी बहुत अच्छी सी मैं लाइन हमेशा पढ़ाते वक्त हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि वेयर देयर इज सिमिलिटीज वेयर देयर इज अ डिफरेंसेस, वेयर देयर इज सिमिलिटीज वेयर देयर इज अ डिफरेंसेस। जहाँ पर समानताएं होती है ना वहीं विभिन्नताएं होती हैं, जहाँ एक जैसी बात होगी ना वहीं अलग अलग बातें भी होगी। तो हमेशा जब भी डिफरेंस याद करना है ना तो डिफरेंस याद नहीं करो, उनकी एक जैसी बातें देख लो तो ऑटोमेटिकली हमें डिफरेंस पता चले। अरे दो ही चीज़ें, या तो डिफरेंस देख लो तो एक जैसी बातें, पर एक जैसी बातें डिफरेंस से पता लगाना मुश्किल है, इसकी वजह एक जैसी बातें देख के डिफरेंस पता लगाना आसान है। हाँ भैया ये भी आदमी ये भी आदमी, हाँ पर ये क्या रेड शर्ट ये क्या ब्लू शर्ट, डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस तो हमारे को कहीं ना कहीं इनके डिफरेंस भी तो आएंगे ना दोनों सीरीज के, एपी और एचपी में कुछ तो डिफरेंस भी होगा ना। तो हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इसका डिफरेंस, है ना। मतलब मेरे को एचपी सॉल्व करना आ जाएगी, क्या करूंगा जब एचपी का सवाल होगा तो मैं उसे एपी में कन्वर्ट कर लूंगा, है ना, और एपी में कन्वर्ट करके एपी जैसा सॉल्व कर लूंगा, और एपी जैसा सॉल्व करके वापस उसके आंसर को वन के अपॉन में पटक दूंगा, तो आंसर काय का हो जाएगा, एचपी का हो जाएगा। तो बोले सर कहीं जो डिफरेंस मिला, बिल्कुल वो डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। तो अपने को सिर्फ क्या पढ़ना है दोनों में, सिर्फ डिफरेंस पढ़ना है। एपी पूरी पढ़ेंगे, एचपी पूरी नहीं पढ़ेंगे, एपी और एचपी में जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे, तो इजी हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ा, है ना। नहीं तो मैं एपी भी पूरा पढ़ाऊँ फिर एचपी भी पूरा पढ़ाऊँ तो वैसे ही तो बोले सर हमारे ऊपर सिलेबस का ऐसा इतना सारा अंबार रहेगा, फिर आप और डाल दोगे तो बोले हम तो दबी जाएंगे उसके अंदर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई, मतलब इस पे मैं ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत मेरे को नहीं है, ठीक। स्पेशल सीरीज, अगली जो बात करने जा रहे हैं हम वो स्पेशल सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, स्पेशल सीरीज के बारे में, विशेष श्रेणियाँ। अब ये विशेष श्रेणियाँ क्या होती हैं, तो मैंने आपसे बोला था मिक्स करना होती है, एक चीज़ होते ना अपन घर में बनाते ना मिक्स दाल बनाते हो ना किसी दिन की, ये दाल भी मिला लो ये दाल भी मिला लो ये दाल भी मिला लो, सबका मिक्स फ्लेवर आना चाहिए, एक टेस्ट आना चाहिए। तो वहीं अपन क्या करेंगे, इसमें अपन ये सीरीजें मिला देंगे, है ना, एपी को जीपी से मिला देंगे, जीपी को एपी से मिला देंगे, ऐसा अपन इनमें कर देंगे, ठीक है। और हो सकता है कि वो सीरीज ना तो एपी हो ना वो जीपी हो ना वो एचपी हो, ऐसा भी हो सकता है। मिक्स करा कई बार ऐसा हो सकता है कि बगैर मिक्स करी दाल भी बना दी, मतलब पानी पानी बना के दे दिया, छोका लगा बोले दाल है, बोले ये दाल है, बोले कौन सी दाल है, बोले जो समझ के खाना हो समझ के खा लो आप, आज पानी को उबाल के दे दिया हमने आपको, है ना। तो ऐसा नहीं, दाल तो होगी, दाल तब दाल होगी तभी तो दाल खिलाएगी ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होगा, सीरीज तो होगी लेकिन वो सीरीज हम क्या है पहचानना पड़ेगी हमें, मिक्स करके बनाई जाएगी, और अगर मिक्स करके नहीं बनाई तो फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब हमारे को स्पेशल सीरीज में कितने काम आ जाएंगे, दो काम करना पड़ेंगे। एक पहले पहचान लिया कि कौन सी दो सीरीज मिलकर बनी है, तब भी उन्हें अलग अलग करना रहेगा, ठीक है। अगर नहीं पहचान पाए और वो नहीं दिख रही कि दो सीरीज कौन सी है, तो फिर हमें दोनों में से कोई एक सीरीज बनाना पड़ेगी जो इजीली बन रही होगी, या वो एपी बन रही, जैसे एपी और जीपी मिलकर बनी कोई सीरीज, तो एपी बनाना आसान है तो हम उसे एपी बना लेंगे, और अगर जीपी बनाना आसान है तो हम उसे जीपी बना लेंगे। जनरली ज़्यादातर जो होता है वो 99% एपी बनाया जाता है, वो इजी पड़ता ना, एपी थोड़ा सा इजी पड़ता ना, है ना, बजाय जीपी के थोड़ा सा मल्टीप्लाई के बजाय प्लस करना थोड़ा आसान पड़ता है, इसलिए हम उसे जनरली काय में कन्वर्ट करते हैं एपी में। अगर एपी जीपी मिलकर आया है तो एपी एचपी तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, तो एपी और एचपी मिलकर तो सीरीज बनेगी नहीं। सीरीज क्या मिलकर बनेगी, एपी और जीपी मिलकर ही बनेगी, ठीक है। तो एपी और जीपी मिलकर जब बनेगी तो हम उसे काय में कन्वर्ट करते हैं, एपी में कन्वर्ट करते हैं, किसको, सीरीज को। वो दो स्पेशल सीरीज में क्या होगा, मिलकर बनकर आएगी, ठीक है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना रहेगा। अब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बोले सर आपने यहां पर भी तो वही बात बोली, लेकिन बेटा मैंने यहां क्या बोला कि मिलकर आएगी लेकिन हम पहचान नहीं पाएंगे, तो हम उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, या तो एपी में कन्वर्ट करेंगे या जीपी में कन्वर्ट, पर मोस्ट ऑफ द काय में कन्वर्ट होती है वो एपी में होती। तो ये सीरीज कैसी होगी देखना, कौन सी वाली सीरीज की बात करने जा रहा हूं मैं, एजीपी, कौन सी एजीपी के बारे में बात करने जा रहा हूं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने अभी इससे पहले एसपीएस की बात करी थी, ये एसपीएस सीरीज थी,
अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एजीपी की बात करने जा रहा हूँ, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी, और ये देखने पे दिख जाएगी। स्पेशल सीरीज में देखने पे दिख नहीं रही थी, पता लगाने पे भी पता नहीं चल रही थी, तो क्या करना पड़ रहा था, उसे कन्वर्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, देखने पे दिख जाएगी। फर्क समझ में आया दोनों में? बोले सर दिखाओ जरा, दिखाओ दिखाओ। बोले हमें दिखाओ दिखाओ सर। मैंने बेटा देख, यहाँ वन लिखा, यहाँ मैंने टू लिखा, यहाँ मैंने थ्री लिखा, ये मैंने फोर लिखा, ये मैंने फाइव लिखा। हाँ बोले सर ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। फिर मैंने बोला देख बेटा, मैंने इसमें इसको एक से इंटू कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा और ये ऐसा कर दिया। बोले अब क्या हो गया, अब आप देखो एक्स के मल्टीप्लाई हो गया, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब, है ना। ये तो पता होगा ना इतना सा कि भैया ये एक्स है और ये एक्स है, इन दोनों का इंटू करते तो ऊपर वाले जो नंबर होता है वो जुड़ जाता है, ठीक है। फिर इस वाले नंबर में भी करा मैंने मल्टीप्लाई तो ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। फिर मैंने इसमें एक एक्स का मल्टीप्लाई करा, फिर ये ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे। फिर मैंने इसमें एक एक्स का मल्टीप्लाई करा तो ऊपर वाले नंबर जुड़ते जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्स जो है वो पांच बार इंटू में, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कितनी बार, फाइव टाइम्स इंटू में। इसका मतलब क्या है, एक्स कितनी बार, थ्री टाइम्स। यहाँ पर एक्स कितने टाइम्स, टू टाइम्स। आ रही है बात नहीं? और अगर यहाँ मैंने बोला एक्स का क्यूब है तो मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स कितने टाइम्स, थ्री टाइम्स, लेकिन कैसी कंडीशन, इंटू की। तो यहाँ पर देखो आप एक्स के मल्टीप्लाई से बात आगे बढ़ी, वन टू थ्री फोर एपी, और एक्स का मल्टीप्लाई मतलब जीपी, तो एपी भी हो गई और जीपी भी हो गई, वो एपी भी हो गई और हमारी जीपी भी हो गई, ठीक है। देखो ये मैंने लिखा टू एट फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी। अब ये ना तो एपी है ना जीपी है ना कुछ है, लेकिन मैं इसकी एक टर्म माइनस करके इसको पीछे से आगे पीछे की तरफ करके चला दूं, आ रही बात समझ। तो जब मैं माइनस करूंगा तो जो नई बनने वाली सीरीज होगी वो देखना पड़ेगी कि क्या बन रही है। ये टू है, ये एट है, सिक्स का डिफरेंस है, यहाँ सेवन का डिफरेंस है, यहाँ थ्री का डिफरेंस है, यहाँ पर टू का डिफरेंस है, ऐसा हो रहा है। मतलब डिफरेंस एक जैसा नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई में हो नहीं रही है, ना मल्टीप्लाई में है ना प्लस माइनस होकर आगे बढ़ रही है, तो पता ही नहीं चल रही कि ये कौन सी सीरीज है। तो मैं क्या करूँगा, इसी सीरीज को एक नीचे सरका के माइनस कर दूंगा, तो यहाँ कितना जाएगा, छः, यहाँ कितना जाएगा, सात, देखो डिफरेंस। पर यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, तीन। तो अब ये फिर गड़बड़ है, मतलब फिर सीरीज नहीं बैठ रही है बात। अब यहाँ क्या आ जाना चाहिए था, यहाँ कोई ऐसा नंबर आ जाना चाहिए था कि यहाँ पर क्या आ जाता, एट आ जाता। तो एट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई नंबर यहाँ पर लिख लें ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, तो अपन टेन लिख लेते हैं, एटीन में से ये एट। अब देखो सिक्स सेवन एट, वन वन का डिफरेंस, अब ये बदल रही है, कायम बदल रही है एपी में, वो वाला नंबर यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन टेन ले लेंगे। वही तो चीज़ है कि अपने वो सीरीज यहाँ पर, वही सीरीज देखना पड़ेगी कि मैंने यहाँ जो सीरीज बनाई ना, तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, वो नंबर इसमें से माइनस हो, और फिर वो जो नंबर जब यहाँ है तो बनने वाली सीरीज जो हो वो एपी हो। जैसे मैंने यहाँ तो नंबर ले लिया, मैंने टू एट फिफ्टीन ले लिया, यहाँ पर मैंने कितने बार सिक्स का डिफरेंस, यहाँ पर सेवन का डिफरेंस, यहाँ पर एट का डिफरेंस लेके अपन कितना ले सकते हैं, ट्वेंटी थ्री ले सकते हैं, है ना, कितना होगा फिफ्टीन फाइव, ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा फिफ्टीन, आप ट्वेंटी एट में से ये जाएगा तो ये कितना जाएगा, एट आ जाएगा, जबकि अपने को एक बढ़ा के ले लेना चाहिए। अगर ये इसको चौबीस ले लें, पंद्रह ले लें, पंद्रह चौबीस कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा, अपने को चाहिए कितना, आठ, तो मतलब यहाँ क्या रखें, तेईस, तेईस पंद्रह आठ, अब सही है, अभी ठीक है। हाँ भैया ऐसा नहीं, कुछ गलत नहीं पढ़ाएंगे यार, सब ईमानदारी से ही पढ़ाएंगे, आता है तभी यहाँ खड़े, ठीक है। पर अच्छी बात है, पढ़ रहे, इससे पता चल रहा है आप पढ़ रहे हो, टू एट फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी, तो ये एक सीरीज थी, इसमें ना देखने पे कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसी ही मिसलेनियस सीरीज आएगी जो रीजनिंग को टच करेगी। मतलब हमारे लिए स्पेशल सीरीज और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे चलकर, इस बात पे ध्यान देना, ये आगे चल के ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भैया, ठीक है। तो ये तो हमने इनके बारे में बात करी, अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करने के बारे में बात करें, कि ये तो हमने किसके बारे में बात करी, पहचानने के बारे में, मतलब हमें सीरीजों के नाम पता चले, है ना, और सीरीज को पहचानते कैसे हैं ये पता चला, इतना ही हुआ भैया आज हमारा काम। टू फोर सिक्स एट टेन, आप पहचान गए कि ये तो एपी है बेटा, ये तो एपी है अपनी। अब मैंने को इसको एचपी करना है तो क्या करूंगा, सिर्फ वन के अपॉन में कर दूंगा, बस इतना सा काम है, और कुछ नहीं करना है, वन के अपॉन में कर लेंगे,
तो ये एच पी हो जाएगी, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। एर्थमेटिक में प्लस चलेगा, जीपी में इनटू चलेगा, है ना? हाँ, जीपी में इनटू चलेगा ना, जीपी नाम गुणोत्तर श्रेणी डाला ना, नाम गुणोत्तर श्रेणी तो गुणे से बढ़ेगी ना, तो जीपी बढ़ेगी गुणे से, और एर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें समान अंतर, अंतर मतलब ये प्लस से बढ़ेगी आगे, है ना? ठीक है, हाँ ठीक। तो ये अपन करेंगे, इसकी मैं शीट वगैरह सब पहुँचाऊंगा थोड़ा सा, अभी मेरे लिए एक दो दिन में मैं शीट्स वगैरह ये वो सब पहुँचाऊंगा, फिर मैं नंबर तो मजा आएगा। अभी तो क्या, अभी थोड़ा सा ट्यूनिंग होने में टाइम लगता है ना किसी चीज़ को यार, उसका रेपो बनने में टाइम लगता है, मोमेंटम कहते हैं जनरली इस बात को, वो मोमेंटम बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी मेरा टॉपिक आज चालू हुआ है, कल मैं इससे रिलेटेड एक एक सीरीज को उठाऊंगा, एक एक सीरीज को धीरे धीरे डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है? तो जो लोग ये बोल रहे थे कि भाई हमारे को एडवांस मैथ्स भी चाहिए, तो ये थोड़ा सा एडवांस मैथ्स भी हो जाएगा, है ना? और फिर हमारा रीजनिंग तो चल ही रहा है साथ के साथ ही, ठीक है? मैंने दोनों को मिक्स करके चलाने की कोशिश करी है, पर रीजनिंग की सीरीज टफ होगी, वो पहचानने में नहीं आएगी, ठीक है? और वहाँ कम से कम 12 से 15 तरीके लगेंगे, तब हम पहचानेंगे कि भैया ये क्या आ रहा है। मिसिंग नंबर होते हैं, मिसिंग नंबर एक उन सीरीज में क्या होगा, उसमें वो कैसी होगी? इसमें तो मैंने आपको बोला कि ऐसा 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 चल रहा है, तो मैं ये वाला नंबर पूछ लूँगा आगे का, लेकिन मालूम वो उसमें क्या होगा रीजनिंग वाले में, वो ये नंबर ही हटा देगा, नंबर उड़ा देगा, बीच का नंबर उड़ा, पूरी सीरीज देगा, बीच का नंबर गायब कर देगा। आ रही बात समझ? तो मिसिंग नंबर्स में चली जाएगी वो चीज़, मतलब वो मिसिंग नंबर भी हमको यहाँ पर देखना है। तो एक नंबर सिस्टम भी कवर होगा, मिसिंग नंबर भी कवर होगा, और सीरीज भी कवर होगी, मतलब एक साथ हमारे कितने 3 टॉपिक कवर होंगे रीजनिंग में जब अपन चलेंगे इस चीज़ को लेकर। वहाँ फिर मैं आपको सब पूरी एक लिस्ट रहेगी 150 क्वेश्चन की, फिर बैठे बैठे घिसते रहो, फिर सारे टेस्ट लगाते रहो कि ये तो नहीं, 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 है ना? जैसे आपको पता हो ना, बल्ब का आविष्कार करने वाले व्यक्ति को क्या हुआ था, उससे जब क्वेश्चन करा तो उससे ये पूछा कि भैया आपको कैसे मालूम पड़ा कि इससे बल्ब बनता है? तो बोले यार मैं तो 1000 चीज़ें टेस्ट करी, उसमें से 999 फेल हो गई, पता चल गया इस एक चीज़ से ये बल्ब बन सकता है, ठीक है? मतलब उसने सब चीज़ों को ट्राई करा, इसको भी ट्राई करा, इसको भी ट्राई करा, इससे नहीं हो रहा, इसको हटा दिया, इसको ट्राई करा, इससे हटा दिया। तो जब आप स्पेशल जब सीरीज में जाएंगे ना अपन रीजनिंग के लिए, तो वहाँ आपको हर टेस्ट लगा के देखना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? जब आपको हर टेस्ट की प्रैक्टिस होगी, तो मतलब इसके हमारे को 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन इसके, 150 इसके, तभी तो ये याद रहेंगे ना। तो हमको इनके क्वेश्चंस लगाना पड़ेंगे, थ्योरी पढ़ के, कोई मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी का सब्जेक्ट थोड़ी ना कि सुना और याद हो गया, या हमने दोबारा सुन लिया कि रामायण का एक श्लोक है तो हमने सुन लिया और याद हो गया हमको, ये ऐसा नहीं भाई, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये साइकिल है। मैं रोज साइकिल के आके चलाने की थ्योरी सुना के चले जाऊँ, और पता चला एक दिन मार्केट में ले जाके साइकिल पर बिठा के और बोला चलाओ, और आपको आई नहीं, आपका एक्सीडेंट हो गया। प्रैक्टिकल चीज़ है ना, रोज साइकिल पर बैठना पड़ेगा, रोज साइकिल को चलाना पड़ेगा, फिर मार्केट में भी चलाना पड़ेगा, उबड़ खाबड़ जगह पे, प्लेन जगह पे, सब पहाड़ों पे, सब जगह चलाना पड़ेगा ना। तो ये मैथ्स वही चीज़ है भैया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऐसे काम नहीं चलेगा।